स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। कल महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर सढ़ौरा के अग्रवाल समाज के द्वारा जो है लोगों को जलपान कराया गया। एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ सढ़ौर के मुख्य बाजार में राहगीरों का मुंह मीठा कराया गया। अग्रवाल समाज के अंकित अग्रवाल, लाला श्यामलाल जी, नरेश सिंगला, राजकुमार आरती जी एवं अन्य मुकेश अग्रवाल, शिवम अग्रवाल व अतुल गर्ग समेत समाज से जुड़े अन्य लोगों द्वारा राहगीरों का मुंह मीठा कराते हुए सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की गई। हर वर्ष इन लोगों के द्वारा जो है इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। एक अच्छा संदेश समाज को दिया जाता है। विभिन्न वर्गों के लोग महाराजा अग्रसेन जी के बारे में जान सके, इस प्रकार से ये आयोजन किया जाता है। आइए, महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य पे आयोजन किया जा रहा है तो बात करते हैं। अंकित जी, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज 71 का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज जो है देश भर में जो है नवरात्रि का पहला दिन है, माता के नवरात्रे शुरू हो गए हैं उनकी खुशी में, और एक महाराजा अग्रसेन जयंती देश भर में मनाई जा रही है। हम भी महाराजा अग्रसेन जयंती की उपलक्ष में एक प्रसाद वितरण कर रहे हैं, यह हमें मौका मिला और बड़े ही खुशी हो रही है कि बहुत मतलब देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है और पहला नवरात्रा भी है माता रानी का। इस खुशी में सारा कार्यक्रम किया जा रहा है जी। धन्यवाद। श्यामलाल जी, कृपया आप भी अपने विचार दीजिए जरूर। आज इतने बढ़िया कार्यक्रम में आप अपनी सेवा दे रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज महाराजा अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर हमने प्रसाद का वितरण शुरू किया है, कृपया उसके उपलक्ष्य में आप सब प्रसाद लेके जाएं और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहें। बहुत बहुत आपका आभारी हूं और धन्यवाद हूं। अग्रवाल समाज का भी आभारी हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगला साहब, नरेश जी, तो इस प्रकार से जो महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, मनाकर क्या कुछ समाज को एक संदेश दिया जाता है, इसके पीछे क्या हेतु रहता है ऐसे आयोजनों के पीछे? जी सतपाल जी, बात यह है कि आज का जो ये आयोजन है जी, ये महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से सारे भारतवर्ष में जी। और महाराजा अग्रसेन इतने उच्च विचार के सोच के थे कि उन्होंने अपने राज्य में एक रुपया और एक ईंट का स्लोगन रखा हुआ था। जो भी उनके राज्य में आकर के बसता था वो उसको ज़मीन देते थे, वहाँ अच्छे ढंग से उसकी पालना करते थे और सभी लोग उसके नवनिर्माण के लिए एक ईंट और एक रुपया देते थे। इस तरीके से उन्होंने समाज के उत्थान का काम किया और वो बड़े ही धर्मपरायण थे। उन्हें आज तक याद किया जाता है, उनके जितने भी सराहनीय कार्य थे। उसी उपलक्ष में हम जो अग्रवाल हैं सब उनके वंशज हैं जी। तो इस उपलक्ष में हम ये जो अग्रसेन जयंती है हर वर्ष मनाते हैं इसको, और इस वर्ष भी हम प्रसाद का वितरण कर रहे हैं ताकि उनका संदेश जो है जन जन तक पहुंचे, उनकी उच्च विचारधारा जन जन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक महान समाज सुधारक जो है महाराजा अग्रसेन, जिन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज के द्वारा आज इस प्रकार से हलवे का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है और भी धार्मिक आयोजन यहाँ पर किए जा रहे। साथ ही प्रथम नवरात्रे हैं तो इस उपलक्ष्य में भी ये प्रसाद जो है अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर श्यामलाल जी को, नरेश सिंगला जी को, बॉबी जी को, और साथ ही अतुल जी, और साथ ही हमारे अंकित अग्रवाल जी, पूरी टीम इनके साथ जो है लगकर जो है सेवा कर रही है। एक समाज के अंदर संदेश, क्या कुछ उन्होंने समाज के लिए किया, उत्थान के लिए किया, ऐसा भाव समाज को उनका प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार से ये आयोजन आज अग्रवाल समाज द्वारा किया गया है। तो एक बार फिर से आप सभी स्टेट न्यूज 71 के दर्शकों को महाराजा अग्रसेन जयंती के साथ ही प्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी का दिन मंगलमय हो, सब सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।